अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माई YouTube चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद, और मैं लेके आया हूँ सीटेट पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसा कि मैं लगातार सीटेट पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो बेसिक नॉलेज है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसी क्रम में जब मैंने पिछले वीडियो में बाल विकास के सिद्धांत भाग दो लेके आया था, और इस बार मैं लेके आया हूँ बाल विकास के सिद्धांत भाग थर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मैं बेसिक नॉलेज आपसे शेयर करूँगा। इसमें पहला पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें है विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो एकीकरण के सिद्धांत का, यहाँ पर ध्यान, एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। विकास की प्रक्रिया जो है एकीकरण सिद्धांत का पालन करती है, और इस प्रक्रिया के अनुसार बालक जो है सबसे पहले संपूर्ण अंग को मैंने पूरे अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। इसके बाद जो अंग है उनमें एकीकरण करना बालक सीखता है। विकास जो है बालक के विकास की भविष्यवाणी जो है की जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिकेटबल। इसमें है एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। जो एक बालक है उसकी जो अपनी वृद्धि और विकास की गति है उसको ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार होगा। जैसे हम इसका उदाहरण है कि जैसे बालक अपनी वृद्धि और विकास की एक बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसमें उदाहरण है कि एक बालक की कलाई का की हड्डियों का एक्सरे मशीन से एक्सरे कर यह जाना जा सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मतलब बालक जो है सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो इसमें उदाहरण है कि एक बालक जो है पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसी क्रम में दूसरा नंबर पॉइंट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जो बालक है उसका मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के बारे में हम लोग पूर्वानुमान से आगे लगा सकते हैं। इसी क्रम में तीसरा नंबर पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की दिशा का सिद्धांत जो है यह कहता है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। मतलब पहले से ही जो निश्चित दिशा है उसी में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति के वंशानुगत मतलब जो वंश के पर और वातावरण पर दोनों को प्रभावित करता है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, और इसके बाद फिर टांगों को। मतलब जो विकास की दिशा का सिद्धांत है उसके अनुसार जो बालक है सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, और उसके बाद फिर टांगों को।
इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। बालक जो है पहले क्या करता है, अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और इसके बाद फिर टांगों को नियंत्रण करता है। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के वह खड़ा होता है और चलना सीखता है। इसी क्रम में चौथा नंबर और अंतिम पॉइंट है, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास जो होता है लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। इसमें है बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। जो बालक का विकास जो है लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, वो एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता। मतलब बालक का जो विकास प्राप्ति है, जैसे वो विकास करता है तो एक गति में सीधा चलकर नहीं कर पाता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। मतलब बालक जो है एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता है, वो बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता। बालक जो है किसी एक अवस्था, किसी कोई भी अवस्था हो, बालक किसी एक अवस्था में वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता। मतलब जिस गति से वो आगे जा रहा है उस गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता है। मतलब विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को अस्थायी रूप दिया जा सके। जो प्राप्त वृद्धि और विकास है उसको अस्थायी रूप दिया जा सकता है। यह सब करने के बाद ही वह आगामी वर्षों में फिर कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकता है। और इस तरह से दोस्तों, जो मैं आज बाल विकास के सिद्धांत भाग थर्ड लेके आया था, और ये जो बाल विकास सिद्धांत है यहीं पर जो टॉपिक है समाप्त होता है। और आगे मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी आपसे चर्चा कर दूँ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है बाल मनोविज्ञान। मैं नेक्स्ट टॉपिक में बाल मनोविज्ञान लेके आऊँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।